हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम करा था जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस चीज़ पे आए थे कि मैं अपना रूम टूर कराऊं, हॉस्टल टूर कराऊं, मेस टूर कराऊं। तो अभी होली की छुट्टी हो गई है एंड यहाँ पे सारा का सारा हॉस्टल खाली है। कुछ बच्चे हैं जो कि साउथ वाले हैं, क्योंकि आई थिंक साउथ में होली नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं चलती हूँ आपको अपने हॉस्टल का पूरा पूरा टूर देने के लिए। सो लेट मी क्लियर दिस कि हमारे वहाँ ना दो टाइप के रूम्स अवेलेबल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जिनमें कि एक है ट्रिपल शेयरिंग वाले एंड एक है डबल शेयरिंग वाले। तो मेरा रूम है डबल शेयरिंग वाला एंड मेरी रूममेट नहीं है क्योंकि वो घर जा चुकी है। तो मुझे लगा यार इससे अच्छा मौका तो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। पहले हॉस्टल की बिल्डिंग दिखा देती हूँ अपनी सारी की सारी जो यहाँ पे है। अच्छी बात तो ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने हमारे पीछे आप देख सकते हैं लॉन्ड्री है। पीछे छोटा सा स्पेस बना हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं शाम के टाइम पे बातें करते हैं। एंड सामने एक आइसक्रीम का भी स्टॉल लगा हुआ है, बट इसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टक शॉप से खा लूँ। सामने ये जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये बॉयज़ हॉस्टल है। तो हमारे वहाँ ना बेसिकली D1, D2, D3, D4 करके ऐसे 6 हैं गर्ल्स हॉस्टल फ़िलहाल तो, एंड सारे 8 से 9 फ्लोर के हैं। तो मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे। मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं कौन से ब्लॉक में हूँ, क्योंकि आई थिंक इतना मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए इस चीज़ को। तो बस मैं इतना बताऊँगी कि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ एंड कभी कभी लिफ्ट काम नहीं करती तो मैं पैदल भी चली जाती हूँ। ये है वो आइसक्रीम की दुकान जिसकी मैं बात कर रही थी। एंड यहाँ से भी एक स्टेयर्स हैं, वहाँ से भी एक है। बालकनी सब में दिया हुआ है बाय द वे, आप देख सकते हो हर एक उसमें अलग अलग बालकनीज हैं और विंडोज़ सब में हैं। ये लॉन्ड्री है एंड हमारी लॉन्ड्री का नाम है धोबी क्लिनिक। मैं आपको ऊपर चल करके इसका बैग भी दिखाऊंगी जो हमें मिला हुआ है। एंड इधर साइड काफ़ी अच्छी सी ग्रीनरी है क्योंकि सामने उधर फुटबॉल ग्राउंड पड़ता है। इधर हमारी वार्डन मैम को ऑफिस पड़ता है, तो मैं आपको फुटबॉल ग्राउंड भी दिखाई देती हूँ। बाय द वे ये पड़ता है फुटबॉल ग्राउंड। एंड प्लस पॉइंट ये पड़ता है ना यार, पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है एंड इधर मेस है। मेस के बगल में जो आप अपार्टमेंट देख रहे हो ना, ये टीचर्स एंड जो PhD स्कॉलर्स हैं उनके लिए है। मेरा रूम बाय द वे आप यहाँ से स्पॉट कर सकते हो, ये वाला रूम है मेरा 4th फ्लोर का, ये उधर वाला 2nd नंबर पे, तो वहाँ है मेरा रूम। एंड यहाँ काफ़ी अच्छा बना रहता है यार, आप बैठ बैठ सकते हो मज़े से। मैं तो काफ़ी बैठी हूँ अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी प्यारे प्यारे फूल भी लगाए हुए हैं इन्होंने, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला तो। एंड सामने से हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स शुरू हो जा। तो गाइज अभी तो खैर होली की छुट्टी है, बिल्कुल सन्नाटा है। पैदा हुए यहाँ ऐसा सन्नाटा कभी नहीं मिलता है जैसा मुझे आज मिल रहा है। एंड एक और चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे जितने भी हॉस्टल रूम्स हैं सारे के सारे AC वाले हैं, कोई भी रूम नॉन AC का नहीं है। तो क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है, बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, लेकिन बहुत गर्मी है भाई। तो चलिए फिर मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने रूम में। ये मेरा हॉस्टल पड़ता है, तो अभी मैं आपको लेकर के चलती हूँ हॉस्टल की तरफ। एंड इधर हमारी वार्डन मैम का केबिन है। साफ साफ लिखा है कि डे स्कॉलर्स आर नॉट परमिटेड। इधर ये हैं, सामने दीदी बैठी हुई हैं, गार्ड दीदी हैं हमारी। दीदी हेलो कर दीजिए मेरे व्लॉग में। तो ये गार्ड दीदी हैं। दीदी आपकी ड्यूटी कितने घंटे तक रहती है? 12 घंटे की पूरी ड्यूटी करती हैं। तो दीदी मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल पर आज पूरा हॉस्टल का टूर दे रही हूँ, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। इधर पानी वगैरह रखा है एंड इधर मैं हूँ। चलिए बाय द वे मेरा 4th फ्लोर पे है एंड आज सारी लिफ्ट 0 पे हैं, तो मैं 4th फ्लोर पे लेके चलती हूँ आपको। ये तो गाइस इस लिफ्ट से अभी हम आए हैं एंड ये यहाँ पे पहला वाला रूम ही जाते ही मेरा पड़ता है। इधर हमारा पूरा पूरा हॉस्टल पड़ता है। मैं आपको पहले हॉस्टल का एक व्यू दे देती हूँ अपने, आप मैं दिखाऊंगी कि सब में ताला लगा हुआ है,
क्योंकि सारे के सारे बच्चे जा चुके हैं, इधर सिर्फ मैं बची हुई हूँ। एंड देखिए इधर से फुटबॉल ग्राउंड कितना अच्छा दिखता है बाय द वे। कभी कभी काफ़ी अच्छी अच्छी हवाएं भी आती हैं। सब में ताला ही लगा हुआ है गाइस, मैं कितना भी दिखा लूँ आपको। एंड डस्टबिन्स बाहर होता है, तो हमारे रूम की क्लीनिंग्स जो होती है ना दीदी करती हैं, एंड वीक में ट्वाइस होती है। दो बार वो आती हैं, साइन करा के लेके जाती हैं। बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं है इस चीज़ में। कैमरा भी लगा हुआ है, मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ। ये कैमरा, एक कैमरा मेरे हाथ में, दूसरा वहाँ लगा हुआ है। एंड ये मेरा रूम है जिसके बाहर मैंने डस्टबिन पूरा पूरा फुल कर दिया, क्योंकि यार रूम टूर करना था ना तो सफाई करनी पड़ी मेरे को रूम की बहुत अच्छे से। तो चलिए रूम में लेके चलती हूँ आप सबको। स्वागत है मेरे छोटे से कमरे में। ये है गाइज मेरा रूम। एंड आते ही इस साइड आपको स्विच बोर्ड मिल जाएगा, ये एसी का है, ये पंखे का है, एंड ये वाले लाइट्स के हैं। तो गाइज ये दो साइड है, ये वाला मेरा है क्योंकि मैं अभी घर नहीं निकली हूँ, ये वाला मेरे रूममेट का है। रूममेट तो भाई पूरा पूरा खाली करके गई है। इधर हमें एक एक अलमेरा मिली हुई है, इधर इसकी भी है। एंड मैंने अपना लगेज वगैरह रखा हुआ है, चप्पलें रखी हैं, न्यूज़पेपर आता था पहले वो रखा हुआ है, कंबल वगैरह अच्छे से तह मार के रख दी है, बैग रखा हुआ है, स्टडी टेबल है यहाँ पे, एंड एक चेयर मिलती है उसके साथ, बगल में सॉकेट्स रखे हुए हैं। एंड ये हमारा कर्टन का व्यू है, कर्टन का व्यू, सो सॉरी, विंडोज़ का व्यू है जो आता है। इधर मैं आपको दिखाऊंगी तो पूरा पूरा फुटबॉल ग्राउंड ही दिखता है मेरे रूम में से, तो काफ़ी अच्छा इधर माहौल आता है, माहौल लगता है, सॉरी। तो बस मैं इसको बंद कर देती हूँ। यार इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी मुझे लग रही है पता नहीं क्यों। एंड एसी भी चला है, पंखा भी चला देती हूँ साथ साथ में। पंखा भी आप देखिए, बस कमी ये है कि ऊपर ये जो छत है ना काफ़ी गंदी सी दी हुई है, अभी भी इन्होंने प्लास्टर नहीं मारा हुआ है। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान रखा हुआ है यहाँ पे। अपना लैपटॉप वगैरह रखा है, कभी कुछ पढ़ना रहता है तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ आलमंड्स वगैरह, क्योंकि मैं आलमंड्स रोज़ सोक करके खाती हूँ। शेल्व्स है मेरी, कुछ अपना सामान रखा हुआ है मैंने। काफ़ी गंदगी अभी भी बनी हुई है, मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा नीचे अपना बाल बाल झाड़ने का सामान रखा है, क्योंकि यार अब रोज़ रोज़ अलग से अलमारी से ऐसे निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अलमारी में हम लोग ताले मार के रखते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं मारा हुआ है। मे बी अब आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ग्लिच आ सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर पंखा चला लिया है। बाय द वे मैंने माइक पहना हुआ है, इतनी गर्मी हो रही थी। तो गाइज़ मैं काफ़ी छोटा सा रूम है, ऐसा कुछ आज सच दिखाने का नहीं है, बट स्टिल मैं आपको अपनी अलमारी की थोड़ी सी स्पेस दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी जज मत करिएगा, क्योंकि मतलब मैं भी घर निकल रही थी, काफ़ी बिखेर के रख देती हूँ सामान मैं। तो मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमें इतनी स्पेसिंग मिल जाती है ऊपर से नीचे तक की बात करें तो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ उलझुल सा सामान रखा है, यहाँ मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, अपने हैंगर वगैरह टांगा, एक स्कार्फ लटकाया है, अपनी डेली एसेंशियल्स एज लाइक की फेस वॉश, एलोवेरा जेल वगैरह यहाँ रखती हूँ। एक लॉकर मिलता है हमें, एंड साइड में मैंने अपने स्क्रंचीज़ और रबर बैंड वगैरह टांग दिए हैं। उसके बाद नीचे मैं शूज़ वगैरह रखती हूँ, इस साइड में बाथरूम वगैरह की चप्पल्स हैं। उसके बाद इस वाले में मैं चादरें वगैरह रैप करके रख देती हूँ। बस गाइज दैट्स ऑल, इसमें तो इतना ही रखती हूँ, क्योंकि साइड में मैं अपना सामान लगेज में रखती हूँ। तो गाइज़ बस अलमारी तो मैंने आपको दिखा दी, एंड मैंने आपको अपना स्टडी टेबल भी दिखाई दिया है। काफ़ी छोटा सा रूम है, बेड है, गद्दा हाँ मेरे कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ सामने का व्यू थोड़ा सा अच्छा लगता है जब सूरज ढलता है या सुबह होती है तो मुझे मतलब काफ़ी पसंद है इस साइड वाला व्यू। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ये पोर्शन मेरी रूममेट का है, ये वाला पोर्शन मेरा है, तो मैं इस साइड रहती हूँ ज़्यादा। एंड गाइज अभी अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, जो कि नंबर वन पॉइंट आता है, तो सेफ्टी में यार यहाँ की सेफ्टी नंबर एक पे है, क्योंकि कोई भी ऐसे घुस नहीं सकता है। एंड इनफैक्ट चोरी वगैरह तो आज तक कभी भी नहीं हुई है। मैं और मेरी रूममेट हम लोग नहाने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कभी कभी ताला भी नहीं मारते हैं, सिर्फ सिटकिनी नहीं लगा देते हैं, कभी कुछ भी गायब नहीं होता, क्योंकि हर जगह कैमराज लगे हुए हैं। एंड बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि जिस हिसाब से पैसे लिए हैं उस हिसाब से रूम छोटे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, मेस का खाना इज़ गुड, जिसकी वीडियोस आप सब लाइक करते हो इतनी ज़्यादा। मेस भी पीछे ही है इधर से, एंड मैं आपको इतना दिखा रही हूँ तो सोचूँ आगे चल करके यहाँ का वॉशरूम वगैरह भी दिखाई देती हूँ उसके साथ साथ कैसा है। चलिए फिर, तो इधर मैं लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ आपको। देखिए पूरा सब खाली है, इधर एक इंसान भटकता हुआ नहीं दिखाए दिखेगा आपको सिवाय मेरे। सिंपल सिटकिन लगा देती हूँ, एंड सामने हमारा वॉशरूम है।
लाइटें लगी हुई हैं, आगे भी कैमरा है एंड पीछे भी कैमरा है। तो गाइज इधर भी लिफ्ट आ जाती हैं, एक लिफ्ट पीछे की साइड थी एंड एक इस साइड है। ये फायर एग्जिट वाले डोर आ जाते हैं, इधर से दूसरे हॉस्टल शुरू हो जाते हैं। सामने वाटर कूलर है एंड इधर वॉशरूम है हमारा। मैं आपको वॉशरूम में लेकर के चलती हूँ। साफ़ सुथरा हमेशा ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए इन्होंने साफ़ करा है। एंड इधर हम लोग का वॉशिंग बेसिन है, इधर सारे के सारे वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स भी काफ़ी बढ़िया से लोग साफ़ सुथरा करके रखते हैं। उसके साथ साथ सामने टॉयलेट्स हैं जो कि हमेशा की तरह साफ़ सुथरे ही मिलेंगे आपको। तो बस इतना सब है एंड उस साइड भी है, डस्टबिन वगैरह नीचे है। एंड ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई इसको क्या कहते थे। 2000 years later गाइस हाँ मुझे याद आ गया, इसको हैंड वॉश बोलते हैं। हैंड वॉश भी अनलिमिटेड होता है, आप जितना चाहो उतना यूज़ करो, बस टूथब्रश वगैरह अपना घर से खुद लाना पड़ता है सारा का सारा सामान। तो बस इसी के साथ मैं आपको अपना मेस भी दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है मेस। ये देखिए ये वाली विंडो अगर मैं खोलती हूँ ना तो मेरे हॉस्टल से काफ़ी पास है, ये हमारी मेस है। अब देखिए इधर दो फ्लोर्स हैं मेस में, एक नीचे है एक ऊपर है। मेरा जो मेस है वो ऊपर वाले में है एंड उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो अगर अच्छे से ये सामने। एंड ये जो बिल्डिंग है ना ये बड़ी वाली, ये जो दिख रही है आपको, ये PhD स्कॉलर्स की है। व्यू काफ़ी बढ़िया है यार। उस साइड देखो टक शॉप भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, मज़ेदार जगह। बॉटल्स बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं। तो बस गाइज इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं भी अब जा रही हूँ अपने चाचा के पास क्योंकि मुझे घर निकलना है एंड मेरी ट्रेन 24 की है, लेट है। तो मेरा मन नहीं लग रहा है, आप इतनी सन्नाटे में किसका मन लगता है यार। बस गाइज मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ एंड मैं इस वाली वीडियो को कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दूँ। एंड इस वाले वीडियो पे खूब सारा प्यार दिखाएगा क्योंकि यार ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कि अपना रूम टूर कराऊँ मैं। तो मैंने सोचा एक फुल फ्लेजेड वीडियो डाल देती हूँ यार कि सब लोग अच्छे से देख सकें। एक कोशिश करूँगी कि मैं एक शॉर्ट्स भी डाल दूँ अपने रूम टूर का। उसके साथ साथ इस वाली वीडियो पे खूब सारा प्यार बरसाएगा कि मैं अगली वीडियो अपने कॉलेज स्टोर की रख सकूं, मेस स्टोर की रख सकूं एंड काफ़ी अच्छे से सब कुछ दिखा सकूं आपको उसमें, सब कुछ अपनी लाइब्रेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब कुछ क्या क्या है। एंड मैंने रिसेंट में एक शॉर्ट्स भी डाला था डेली व्लॉग करके, मिनी व्लॉग था मेरा वो, अगर आपको वो भी पसंद आए तो मैं लिंक डाल दूंगी। उस पर भी खूब सारा प्यार बरसाइएगा। एंड बस इसी के साथ साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।